साथियों, त्रिपुरा के विकास के लिए केंद्र सरकार ने हर आवश्यकता का ध्यान रखा है। बीते 6 साल में त्रिपुरा को केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि में बड़ी वृद्धि की गई है। वर्ष 2009 से 2014 के बीच केंद्र सरकार से त्रिपुरा को केंद्रीय विकास परियोजनाओं के लिए 3,500 करोड़ रुपए की मदद मिली थी, 3500 करोड़ की, जबकि साल 2014 से 2019 के बीच हमारे आने के बाद 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की मदद दी गई है। आज त्रिपुरा उन बड़े राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बनता जा रहा है, जहां डबल इंजन की सरकार आज जहां नहीं है और जो सरकारें दिल्ली से झगड़ा करने में भी अपना टाइम बर्बाद करती है, उनको भी पता चल रहा है त्रिपुरा जो कभी पावर डेफिसिट स्टेट हुआ करता था, वो आज डबल इंजन की सरकार की वजह से पावर सरप्लस हो गया है। 2017 से पहले त्रिपुरा के सिर्फ 19,000 ग्रामीण घरों में नल से जल आता था। आज दिल्ली और त्रिपुरा की डबल इंजन की सरकार की वजह से करीब 2,00,000 ग्रामीण घरों में नल से जल आने लगा है। 2017 से पहले त्रिपुरा के 5,80,000 घरों में गैस कनेक्शन था, 6,00,000 से भी कम। आज राज्य के 8,50,000 घरों में गैस कनेक्शन है, 8,50,000 घरों में। डबल इंजन की सरकार बनने से पहले त्रिपुरा में सिर्फ 50% गांव खुले में शौच से मुक्त थे। आज त्रिपुरा का करीब करीब हर गांव खुले में शौच से मुक्त है। सौभाग्य योजना के तहत त्रिपुरा में 100% बिजलीकरण हो, उज्ज्वला योजना के तहत 2,50,000 से ज्यादा मुफ्त गैस कनेक्शन देना हो, या फिर 50,000 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं को मातृ वंदना योजना का लाभ हो, दिल्ली की और त्रिपुरा की डबल इंजन की सरकार के ये काम त्रिपुरा की बहनों बेटियों को सशक्त करने में मदद कर रहे हैं। त्रिपुरा में पीएम किसान सम्मान निधि और आयुष्मान भारत योजना का भी लाभ किसानों और गरीब परिवारों को मिल रहा है, जबकि देश ये भी देख रहा है कि जहां डबल इंजन की सरकार नहीं है, आपके पड़ोस में ही गरीबों, किसानों और बेटियों को सशक्त करने वाली ये योजनाएं या तो लागू ही नहीं की गई या फिर बहुत ही धीमी गति से चल रही है।